14th August, I'm going to Chanshal. It was a good place. I'm certainly going to miss it. Time to leave and move to the next destination. Oh, so good to see some civilization. Guys, काफी लोग पूछ रहे हैं वैसे मॉनसून में कैसी है परफॉर्मेंस जावा की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ओके थैंक यू तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे पर्सनली मेरी मोटरबाइक में आई मीन आई कैन नॉट प्रॉमिस कल को किसी और की मोटरबाइक में कुछ टेक्निकल इश्यू कुछ पानी से कुछ ऐसा हो या ना हो आई कैन नॉट क्लेम ऑन दैट बट इफ आई टॉक अबाउट माई मोटरबाइक पर्सनली आई किक स्टार्ट इट सॉरी नो किक I self started और एक बार ही start हो रही है so it's pretty pretty handy एक बार में self मारा start हो गई comfortable confident riding है मैंने काफ़ी ज़्यादा off roading करी और मतलब बारिश तो लगातार permanent ही है अब इस time भी इस moment में बारिश हो रही है rim पतली छोटी सी बूंदें and Then again, because the motorbike is so lightweight and easy to maneuver, तो वो handling भी बहुत easy हो जाती है कभी एकदम कल जैसे काफ़ी ज़्यादा slushy था बहुत ज़्यादा slush मैंने चलाया तो एकदम से जैसे bike पूरी पीछे वाला टायर उसके ऐसे घूम जाता था तो भी confidently आप पैर नीचे रख दे क्योंकि low seating है तो for person who is 5'7" और कुछ इस type की height का उसके लिए बहुत सही है lightweight है तो ज़्यादा मेहनत नहीं कराती easily handle हो जाती है आई मीन लुक एट मी दिस टाइम डाउनहिल जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी का इंजन बंद करके उसको बिना गियर की ब्रेकिंग का एडवांटेज लिए ऐसे कॉन्फिडेंटली जा पा रहा हूँ और एक हाथ से राइड या कॉल मी लिटिल बिट क्रेजी बट हाँ आई मीन अगर आपको कॉन्फिडेंट लगता है आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ और मतलब मुझे नहीं लग रहा कि डिसबैलेंस हो जाएगा सो वाई नॉट सो दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट राइडिंग 42 ऑफर्स और हाँ वही एग्जैक्टली आई मीन आई एम हैप्पी एंड अब उससे कि डोंट वरी डोंट थिंक कि यार मानसून में कुछ प्रॉब्लम हुआ है कुछ ऐसा इट कैन आपकी अगर पर्सनल किस्मत ही बुरी है बट हाँ टेक्निकली मेरी मोटरबाइक में कोई ऐसा इशू नहीं है ब्यूटिफुल प्लेस लुक एट इट बिग मैसिव माउंटेन्स एक आधी गाड़ी कीप यू एंटरटेन साफ And the money is overtaking. Alright guys, back on highway. I wish I had my drone here. यार मजा आता है ऐसे घुमा के ड्रोन से वीडियो बनाने में ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्ट्रेच एट कॉस्ट जुबल 3 किलोमीटर्स लुक एट दैट रोड ऐसे करके जा रही है पूरी मजेदार रोड बनी हुई है वेदर परफेक्ट है दोस्त से मिलने जा रहे हैं हाँ ड्रोन का दिमाग से निकल ही नहीं रही है ये चीज बट ऑलराइट थोड़ी सी भूख लगी थी एंड लुक व्हाट आई फाउंड पेस्ट्री शॉप इन द माउंटेन्स
All these things here. All the fancy stuff. और मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक बर्गर से, उसके बाद खाई जाएगी थोड़ी पेस्ट्री। Alright, moving next. थोड़ा सा quickly पेट पूजा हो गई है, and now with a happy stomach, I move forward. Alright. Feeling lucky once again for riding a motorbike and not driving a car. काफ़ी ज़्यादा पीछे अभी ट्रैफिक मैंने बाईपास किया और अभी फिर से कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन माई जावा कैन। बाय द वे बड़ी अच्छी लोकेशन पे बहुत टाइम बाद जब से पूरी जर्नी शुरू करी है अब जाके मुझे नदी दिखाई दी है यहाँ पे। सो अपने मनाली कुल्लू वैली की याद आ रही है। पूरे रास्ते में अभी तक जब भी चला कहीं पे ऐसा नहीं था कि वैली में साथ साथ नदी चल रही है। हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एंजॉयिंग इट। सो हियर यू कैन सी ब्यूटीफुल। बाय द वे गाइस, दिस इज द टाउन ऑफ रोडू। रोडू में लगा हुआ है जाम और हम जा सकते हैं आगे। Look at that. Oh, I wish I had the drone and I could fly it. Right. Nahi, pani ke upar nahi. Road ke upar se to uda hi sakta tha. Wow. So beautiful. It's finally good to see a river flowing right next to the road, which was so missing on this journey. So beautiful, man. It's different kind of mountain. I won't compare it with Kullu Valley, I won't compare it with anything. थोड़ा थोड़ा सा मेरे को चितकुल जैसा भी पीछे उस तरफ है क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो थी तो चितकुल जैसा सा फील आ रहा था। और या ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इन द मंथ्स ऑफ समर। अगर मैं इस जगह पे आया होता समर मंथ्स में तो I would have certainly camped here. अभी भी कर सकता हूँ ऐसे, यहाँ से नीचे जाके इधर पे टेंट लगा सकते हैं। Would be amazing. All right. बाइक तो पहुंच जाती है। ये बड़े सही बंदे हैं। हम कहाँ पे रुके थे? आए तो पूरा